hello everyone kaise aap sab theek hai video informative video jo I ke share honi covid jo is din mein aap zyada phaila hai test aap self test these self test kits are available from the government website uh, they're free to order so if you go onto to the website you can order them for free all COVID uh, test kits vary, so please do read the instructions and follow them really carefully to get the accurate results. Are required. Yes, self-kit. website, order from the NHS website. The amount of tests uh, in one kit does vary by manufacturer, so uh, you may find more or you may find less in one uh, kit. Each kit has different test amount. यहाँ मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इस किट में क्या क्या है और कैसे हम इस किट एक किट में जो चीज़ें हम हमारे पास हैं उसके साथ हम कैसे अपना टेस्ट खुद घर में बैठ के कर सकते हैं तो यह सारी चीज़ें इस किट में ही हैं जो मुझे आप देख सकते हो मैं आपको दिखा रही हूँ इस किट में स्वाब टेस्टर कंटेनर सलूशन एंड डिस्पोजेबल बैग है वो सारी चीज़ें इस किट में हैं इस किट में सेवन टेस्ट है मैं आपको एक शो करवा रही हूँ यहाँ मैं एक एक सब चीज़ों में से एक एक लेके आपको शो करवा रही हूँ यहाँ मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं ये अभी मैंने सलूशन को अपने हाथ में पकड़ा है यह सोलूशन है जो जिसके साथ हमने टेस्ट करना है यहाँ अभी मैंने सेकंड पैकेट ओपन करने लगी हूँ यह कंटेनर सोलूशन के लिए है जिसमें सारा स्वब जाएगा टेस्ट जिसके साथ हमने करना है यह टेस्टर है और यह स्व है और यह डिस्पोजेबल बैग ये भी मैंने कंटेनर को पकड़ा है कंटेनर को पहले उठा के यहाँ मैंने इस बॉक्स में होल बना हुआ है इस बॉक्स में रख देना है इस तरह जैसे मैंने रखा है फिर ये जो मेरे पास सोल्यूशन है इसको ओपन करने लगी हूँ इसको ओपन करना है ट्विस्ट करेंगे और ओपन हो जाएगा अब इसमें जो सोलूशन है ये आप देख सकते हो इस सॉल्यूशन को हमने इस कंटेनर में जो मैंने होल्ड के ऊपर रखा हुआ है होल्डर के ऊपर इस कंटेनर में आपने सारा सॉल्यूशन को ऐड कर देना है डाल देना है जितना भी वो सॉल्यूशन होगा वो सारा कंटेनर में ऐड कर दें इस पैकेट में टेस्टर है जिससे आपको पता चलेगा कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है इसको मैं ओपन कर रही हूँ ओपन करके आपको दिखाती हूँ यहाँ मैंने ओपन कर लिया है ये इस तरह ये टेस्टर बना हुआ है ये इससे आपने चेक करना है नेगेटिव और पॉजिटिव नेक्स्ट स्टेप स्वाब के लिए जिससे हमने टेस्ट करना है इसको ओपन करेंगे स्टिक जो जिससे हम टेस्ट करते हैं पैकेट को ओपन करेंगे इजी वे टू ओपन ओपन मैंने कर लिया इस तरह जैसे ये बनिया मैं पिक्चर में पहले अपने इस तरह आपने चेक करना है फिर आपने श्राफ आप चेक करना है जब टेस्ट कर लेंगे चेक फिर इसको स्वाब में डालेंगे ये जो सोलूशन है कंटेनर में उसमें हमने रख देना है और ट्वेंटी सेकेंड के लिए हमने उसको ऐसे ही मिक्स करते जाना है ट्वेंटी सेकेंड के बाद हमने वही जो हमने टेस्ट किया है स्वाब को वो जो पैकेट है वापस उसी में हमने उसको रख देना है और जो मेरे पास ये डिस्पोजेबल बैग था उसमें हमने उसको रख देना है इस तरह ये मैंने इस बैग में रख दिया है जब हमने टेस्ट कर लेना है डिस्पोजेबल बैग जो है उसमें आपने इसको बंद कर देना है और जो मैंने सोलूशन का था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है तो स्वा जो सोलूशन का था कंटेनर को उस वो भी मैंने इसमें डाल दिया अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करें बिकॉज़ मैं घर में कर रही हूँ इसलिए मैंने ग्लव्स नहीं पहने जस्ट आपको दिखा रही हूँ नेक्स्ट स्टेप उस कंटेनर को जो हमने रखा था सॉल्यूशन जिसमें हमने डाला था उसको अब मैं क्लोज कर रही हूँ बंद कर रही हूँ इसको बंद करें बंद करके वो जो सोलूशन है उसमें जो सोलूशन को हमने इसके ऊपर इस तरह किट के ऊपर उस सोल्यूशन को इस तरह किट के ऊपर इस तरह हमने डालना है जिस तरह मैं कर रही हूँ या आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कैसे आपको दिखा रही हूँ जब ये सोलूशन आप इस किट के ऊपर टेस्टर के ऊपर आप डाल देंगे तो आपने थर्टी मिनट तक आपने इसका वेट करना है थर्टी मिनट के बाद आप इसका नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट चेक कर सकते हैं यह, यह सारा मैं आपको दिखा रही हूँ कि यह सॉल्यूशन जो मैंने इसमें ऐड किया किट में ये कैसे सारा इसको ऊपर तक कवर कर देगा और इस तरह इसने कैसे पर्पल सा हो जाना कलर Guys, after waiting 30 minutes, you should start to get a reading on it. Um, like, as you can see up there, the, the faint line has started to appear um, within the 30 minutes. Um, so, the, the C on the test kit means if there's one line on C, that's negative. If there's a line on the C and the T, that means it's positive. But if there's a line only on the T, that means your test is void, and you will need to redo the test again. As you can see, I've also added the pictures on how the test works. So please do follow that. So my was here negative. So when you finish, do it with a lot of care. Seal the bag and dispose it. Thanks for watching. Take care. I hope you like this informative video. Take care. God bless you. Bye.